आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में एक्सरसाइज नंबर 3.3 पढ़ेंगे। और एक्सरसाइज नंबर 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है कि हम चाहे सब इक्वेशन फर्स्ट से या इक्वेशन सेकंड से एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, और उस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें, या इक्वेशन सेकंड से एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, मीन्स किसी के प्लेस पर उसकी वैल्यू को पुट कर दिया जाना। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाई इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स ट्रांसपोज अदर साइड, देन वी हैव माइनस एक्स। सपोज दैट दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, जब हम फर्स्ट से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x या y की तो उस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे, और अगर सेकेंड से फाइंड आउट करेंगे तो फिर उस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। पुटिंग y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, वॉट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, दिस इज x माइनस वाई, वाई मीन्स वॉट 14 माइनस एक्स, वी पुट हियर 14 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 4, एक्स माइनस 14 माइनस माइनस प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस एक्स 2x, दिस इज इक्वल टू 4, माइनस 14 ट्रांसपोज करेंगे अदर साइड, देन वी हैव प्लस 14, नाउ 2x इज इक्वल टू 18, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 18 अपॉन 2, 2 1 जा 2 9 जा, therefore x is equal to 9। अब हमें करना क्या है, x की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में या 3 में किसी भी इक्वेशन में अगर हम x की इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। Now putting x is equal to 9 in equation number first, थर्ड में भी राइट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड राइट कर दे और इजी हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू 14 माइनस 9, देन y इज इक्वल टू 5, देयर फोर सोल्यूशन विल बी x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5, एंड दिस इज अवर आंसर। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी तरह से, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन इज s माइनस टी इज इक्वल टू 3, एंड सेकेंड इक्वेशन इज s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 6। यहां पे जो हमारा वेरिएबल है वो s और t है, हम इक्वेशन फर्स्ट से चाहे s की वैल्यू चाहे t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और उस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देते हैं। देखिए कैसे करते हैं इसको हम, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट s इज इक्वल टू 3 माइनस टी ट्रांसपोज अदर साइड, देन वी हैव प्लस टी, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर थर्ड। अब एस की इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देते हैं, पुटिंग एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, एस मीन्स 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 6। यहां पर हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर इज अनइक्वल, देयरफॉर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, उस तो हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, मींस या एलसीएम ले ले 3 और 2 का एलसीएम हमारा 6 हो जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 2 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 प्लस टी प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से t में मल्टीप्लाई कर देंगे 3t, दिस इज इक्वल टू 6, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t, 3t 2t 5t, 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, ये प्लस 6 उधर हमने ट्रांसपोज कर दिया, माइनस 6 हो गया,
Now, 5t is equal to 36 minus 6. Then we have 30. T is equal to 30 upon 5. Therefore, t is equal to 5, 6 is a 30. We find value of t is 6. Now, putting t is equal to 6 in equation number 3. Putting t is equal to 6 in equation number 3. Equation number 3 is s is equal to 3 plus t. Therefore, s is equal to 3 plus t means 6. 6 plus 3, 9. S is equal to 9. Therefore, our answer will be s is equal to 9 and t is equal to 6. And this is our answer. Write karne aap log beta usko. Let us see question number 4th. Fourth question kya hai? Our equation is first equation and this is second equation. Thoda clear karein aap log. इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और इजी करने जा रहे हैं. कैसे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. आप लोग इस इक्वेशन को यहां पर राइट कर लोगे. इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है? 0.2x. इसको हम राइट कर सकते हैं 2 अपॉन 10x प्लस 0.3y. इसको हम राइट कर सकते हैं 3 अपॉन 10y. यहां पर डेसिमल फ्रैक्शन को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? यहां पर 1 राइट करेंगे डेसिमल के प्लेस और जितने डिजिट पर डेसिमल है उतने जीरो नीचे राइट कर देते हैं. ये हम लोग क्लास 4 5 6 में पढ़ चुके हैं. तो यहां पर आपको हो जाएगा 2 अपॉन 10x प्लस 3 अपॉन 10y इज इक्वल टू 1 3 अपॉन 10. अब यहां पे सब में 10 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास जो इक्वेशन आया 2x प्लस 3y दिस इज इक्वल टू 13. और इसको हम इक्वेशन सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3rd. पहले हम इक्वेशन को थोड़ा सा इजी कर लेते हैं. सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी कैन राइट हियर 4 अपॉन 10x प्लस 5 अपॉन 10y is equal to 23 upon 10. यहां पे 10 10 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास जो नया इक्वेशन आएगा 4x plus 5y is equal to 23. इक्वेशन नंबर 4. हम इसको डेसिमल की फॉर्म में भी कर सकते थे लेकिन आपके लिए इजी इस तरह से रहेगा. अब आगे देखते हैं हम लोग. यहां से थर्ड इक्वेशन हमारा ये हो गया, फोर्थ इक्वेशन हमारा ये हो गया. इसमें से हम x की वैल्यू या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और उस वैल्यू को हम किस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं इसको. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd 3y इज इक्वल टू 13 प्लस 2x ट्रांसपोज अदर साइड देन वी हैव माइनस 2x. देयरफॉर y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 5. पुटिंग y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3 इन इक्वेशन नंबर 3rd सॉरी 4th. क्यों 4th? क्योंकि हमने जो y की वैल्यू फाइंड आउट करी वो इक्वेशन 3rd से फाइंड आउट करी. तो जब हम 3rd से फाइंड आउट करेंगे तो उस वैल्यू को हम 4th नंबर इक्वेशन में पुट करेंगे. पुटिंग y इज इक्वल टू दिस इन इक्वेशन नंबर 4th 4x प्लस 5 इनटू वैल्यू ऑफ y. वैल्यू ऑफ y इज 13 माइनस 2x अपॉन 3. दिस इज इक्वल टू 23. अब यहां पे डिनोमिनेटर 3 है, इस डिनोमिनेटर से इधर मल्टीप्लाई कर दे और इधर मल्टीप्लाई कर दे. 3 4 जा 12x प्लस 5 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे. 5 13 जा 65 माइनस 5 2 जा 10x दिस इज इक्वल टू 23. 3 जा 69. 12 माइनस 10x इज इक्वल टू 2x. 12x माइनस 10x तो 12x में से 10x माइनस कर देंगे 2x हो जाएगा. 69 माइनस 65 2x इज इक्वल टू 4.
4. Therefore, x is equal to 4 upon 2. 2 1 जा, 2 2 जा. x is equal to 2. तो हमें क्या मिला? x की वैल्यू मिल गई हमें 2. अब हम क्या करेंगे? x के इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे. तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? 5 की. अब आप समझ, y की वैल्यू मिल जाएगी. फिर से ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू जो 2 है, हम यहां भी रख सकते हैं, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. नाउ वी राइट हियर पुटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 5. देयरफॉर y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 3. y इज इक्वल टू 13 माइनस 4 अपॉन 3. y इज इक्वल टू 13 माइनस 4 मीन्स 9 अपॉन 3. 3 वन जा, 3 3 जा, y इज इक्वल टू 3. देयरफॉर आवर आंसर विल बी x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, एंड दिस इज आवर आंसर. राइट कर लें आप लोग बेटा इसको. लेट अस सी पार्ट 5th. पार्ट 5th मीन्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. मैं फाइंड आउट करता हूं y की वैल्यू. रूट 3 y इज इक्वल टू प्लस रूट 2 x ट्रांसपोज अदर साइड भी है माइनस रूट 2 x. देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस रूट 2 x अपॉन रूट 3. इक्वेशन नंबर 3rd. सिमिलरली जैसे हमने और क्वेश्चन में किया था वही काम हम यहां भी करेंगे. पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इन इक्वेशन नंबर 2nd. एंड इक्वेशन नंबर 2nd इज दिस, रूट 3 x माइनस रूट 8 y. y मीन्स माइनस रूट 2 x अपॉन रूट 3. दिस इज इक्वल टू 0. रूट 3 से हम यहां पर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस रूट 8 से रूट 2 में मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, रूट 8 से रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा रूट 16. x इज इक्वल टू रूट 3 से हमने यहां मल्टीप्लाई किया था, रूट 3 से हम यहां भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपान में रूट 3 क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा. अब हम यहां पे देखते हैं ये 4 हो जाएगा, 3x प्लस 4x, दिस इज इक्वल टू 0. 7x इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0 अपॉन 7, और 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 0. x इज इक्वल टू 0. पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3rd. कहीं भी पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, ये रटने वाली कोई चीज नहीं है. जहां पर आपको इजी लगे आप वहां पे पुट कर दीजिए. y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 0 अपॉन 3. 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 0 ही पाओगे आप. तो 0 और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो भी 0 मिलेगा. y इज इक्वल टू 0. देयरफॉर आवर आंसर विल बी x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0. हम लोग देखते हैं 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1st, एंड दैट क्वेश्चन इज 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू माइनस 2. ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर हम इस डिनोमिनेटर को इक्वल कर लें, और डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और एलसीएम भी ले सकते हैं, और एलसीएम लेकर के भी कर सकते हैं. 3 3 जा 9x माइनस 2 5 जा 10y अपॉन 2 3 जा 6 इज इक्वल टू माइनस 2. अब आप 6 से इधर मल्टीप्लाई करो क्रॉस, 9x माइनस 10y, दिस इज इक्वल टू 6 2 जा 12. यही से हम x की या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. 9x इज इक्वल टू माइनस 12y, 12 और माइनस 10y ट्रांसपोज अदर साइड देन वी हैव प्लस 10y. देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1st. हम इसको सॉल्व करते करते यहां पर ले आए और हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लिया. नाउ इक्वेशन सेकंड इज x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6.
टू से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे टू एक्स प्लस थ्री से थ्री वाई अपान थ्री टू जा सिक्स, दिस इज इक्वल टू थर्टीन अपान सिक्स, सिक्स इज कैंसिल बाई सिक्स। और सेकेंड इक्वेशन विल बी टू एक्स प्लस थ्री वाई, दिस इज इक्वल टू थर्टीन, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करना है, वही जो अब तक हम लोग करते आए, इक्वेशन फर्स्ट से जो एक्स की वैल्यू है हम उसको इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व प्लस टेन वाई अपान नाइन इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। टू इंटू वैल्यू ऑफ एक्स, और वैल्यू ऑफ एक्स में पुट करना है माइनस ट्वेल्व प्लस टेन वाई अपान नाइन प्लस थ्री वाई, दिस इज इक्वल टू थर्टीन। चलिए बेटा टू से यहां मल्टीप्लाई करो ऊपर, माइनस ट्वेंटी फोर प्लस टू टेन जा ट्वेंटी वाई प्लस नाइन से यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करो ट्वेंटी सेवन वाई, और नाइन से यहां मल्टीप्लाई करोगे वन सेवनटीन, थर्टीन नाइन जा वन सेवनटीन, ट्वेंटी सेवन और ट्वेंटी मीन्स फोर्टी सेवन वाई, दिस इज इक्वल टू वन सेवनटीन माइनस ट्वेंटी फोर, ट्रांसपोज अदर साइड देन वी हैव प्लस ट्वेंटी फोर, फोर्टी सेवन वाई दिस इज इक्वल टू वन फोर्टी वन, वाई इज इक्वल टू वन फोर्टी वन अपान फोर्टी सेवन, फोर्टी सेवन थ्री जा देयर फोर वाई इज इक्वल टू थ्री, नाउ वी हैव वाई इज इक्वल टू थ्री। वॉट डू वी डू हियर, वी डू y is equal to 3 means putting y is equal to 3 in equation number first, putting आप second में भी put कर सकते हो, putting y is equal to 3 in equation number first, and equation number first is this, x is equal to minus 12 plus 10 into y means 3 upon 9, x इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व टेन थ्री जा थर्टी अपान नाइन, x इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व प्लस थर्टी करोगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट क्यों होगा क्योंकि एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, थर्टी माइनस ट्वेल्व एटीन अपान नाइन, नाइन वन जा नाइन टू जा देयर फोर एक्स इज इक्वल टू टू एंड वाई इज इक्वल टू थ्री, दिस इज सोल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट इट। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज सॉल्व टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू इलेवन एंड टू एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर, मीन्स इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करने मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड हेंस फाइंड वैल्यू ऑफ एम फॉर विच वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो जाएंगे, फिर एक्स और वाई की उन वैल्यूज को यहां जब हम पुट कर देंगे तो हमें एम की वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाएगी। चलिए पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू इलेवन, वी कैन राइट हियर थ्री वाई इज इक्वल टू इलेवन माइनस टू एक्स, देन वाई इज इक्वल टू इलेवन माइनस टू एक्स अपॉन थ्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमने वाई की वैल्यू यहां फाइंड आउट कर ली इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। Now and 2x minus 4y is equal to minus 24. Equation number second. हम करेंगे क्या? Putting y is equal to 11 minus 2x upon 3 in equation number second. 2x minus 4 into 11 माइनस टू एक्स अपॉन थ्री इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर, आप थ्री से यहां मल्टीप्लाई कर दोगे सिक्स एक्स माइनस फोर इलेवन जा फोर्टी फोर माइनस माइनस प्लस फोर टू जा एट एक्स, दिस इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर थ्री जा सेवेंटी टू, सिक्सटी एक्स सिक्स एक्स एंड एट एक्स नाउ वी हैव फोर्टीन एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस सेवेंटी टू माइनस फोर्टी फोर, ट्रांसपोज अदर साइड प्लस 44, 14x इज इक्वल टू माइनस 28, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 28 अपॉन 14, 14 वन जा 14 टू जा
x is equal to minus 2. Putting x is equal to minus 2 in equation number first. And equation number first is this. Y is equal to 11 minus 2 into minus 2. X की वैल्यू यहां पर हमने पुट कर दी अपॉन 3. Y is equal to 11 minus minus plus 2 2 जा 4. तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा 11 प्लस 4 अपॉन 3. Y is equal to 15 upon 3. Therefore, Y is equal to 3 5s are 15. Therefore, solution हो जाएगा value of X is equal to minus 2 and value of Y is equal to 5. एक answer हमारा ये हो गया. लेकिन अभी question में और भी कुछ कह रहा है. हमें M की value find out करनी है. Putting X is equal to minus 2. Y is equal to 5 in Y is equal to 5X plus 3. जो इक्वेशन हमें गिवन है उस इक्वेशन में हम X और Y की वैल्यू पुट कर देते हैं. चलिए पुट करते हैं. Y means 5 is equal to M. X means minus 2 plus 3. Minus 2M. Minus 2M को ट्रांसपोज करो इस साइड. Plus 2M. This is equal to 3. Plus 5, transpose other side, minus 5. And 2m is equal to minus 2. Therefore, m is equal to minus 2 upon 2. 2, 1, ja 2. M is equal to minus 1. Pura answer agar hum likhenge, to x is equal to 2, y minus 2, x, y is equal to 5, and m is equal to minus 1. Aur ye pure question ka ye ho jayega hamara solution, answer ho jayega. Write kar lo isko beta aap log.